हिमाचल प्रदेश के तिब्बत सीमांत क्षेत्र पर्यटन के क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार का विकल्प बन सकते हैं। कुदरत ने यहाँ अपार प्राकृतिक सुंदरता दी है, लेकिन सड़क, दूरसंचार और अन्य बुनियादी सुविधाएं ना होने से यहाँ लोगों के व्यवसाय पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि लोकसभा में ऐसे जनप्रतिनिधि चुनकर जाएं जो क्षेत्र के लोगों का दुख दर्द समझ सकें। हिमाचल प्रदेश के तिब्बत सीमा से जुड़े किन्नौर और स्पीति के लोग जवाबदेही बुनियादी सुविधाएं ना होने से परेशान हैं। लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में संचार व सड़क सुविधा नहीं है। लोगों का कहना है कि कुदरत ने यहां कई रमणीक और मनमोहक स्थल दिए हैं, लेकिन यहां पर सुविधाएं ना होने के चलते लोगों का यहाँ पहुँचना काफी मुश्किल हो जाता है। कई गाँव ऐसे हैं जहाँ फोन से संपर्क साधने के लिए भी 5-5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इसी तरह सड़कों की दशा भी ठीक नहीं है। ऐसे में इन क्षेत्रों में बसे लोग चाहते हैं कि ऐसे लोग चुनकर आगे आए जो लोगों की समस्याओं को समझ सके। लोगों का कहना है कि यदि इन क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए तो ये क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से विकसित हो सकते हैं और यहाँ के युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिल सकते हैं। यहाँ पर फोन का बड़ा दिक्कतें होते थे हमारा, तो बाकी जगह सभी में हर जगह फोन लगे हैं। ये होल्डिंग गाँव है जहाँ की फोन का कोई सुविधा है नहीं थी, तो यहाँ पर ITP का एक फोन है सेटेलाइट का, वहाँ फोन करने जाए तो आधार कार्ड पहचान पत्र पूछते हैं और नाम वगैरह एंट्री करते हैं, तो वहाँ पर भी बड़ा दिक्कतें होते हैं। तो परिवार हमारा बड़े दूर दूर रहेंगे तो उनसे बात करना चाहिए, बात होते नहीं थी तो बहुत दिक्कतें होते हैं। तो ये आने वाले सरकार से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं जी, तो ये फोन का इंतजाम किया जाए। यहाँ दो गांव है, एक हुरलिंग दूसरा चंडीगढ़, यहाँ मोबाइल की सुविधा नहीं है जी। बिल्कुल जी, हमें भी दिक्कतें होती है, आने जाने वाले हर गाड़ियों का दिक्कत होता है जी, हर लोग परेशान है यहाँ मोबाइल टावर से। तो आने वाले लोकसभा जो चुनाव है उसमें हम अपील करते हैं कि जो भी आए क्या नाम उनसे मांग करते हैं कि टावर दिया जाए यहाँ पे। मेरा नाम डॉक्टर सौरभ नेगी है, मैं रारंग से बिलोंग करता हूँ। आज के टाइम में किन्नौर बहुत पिछड़ा हुआ है इंटरनेट के मामले में, सड़कों के मामले में। वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है, युवा पीढ़ी आज के टाइम में बहुत बेरोज़गार है वहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे किन्नौर में आने वाले लोकसभा चुनाव में ऐसा प्रतिनिधि आए जो हमारी समस्याओं को समझ सके। पंचायत ग्यू का एक निवासी हूँ और हमारे पंचायत में BSNL टावर ना होने की वजह से हमें रिश्तेदारों से बात करने में बहुत तकलीफ़ होती है। अगर कहीं कुछ आपदा आ जाती है तो हमें 3-4 दिन बाद ही पता लगता है। तो नाको एक विश्व मानचित्र में पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही विख्यात है, परंतु पिछले अगर तक टूरिज्म की दृष्टि से नाको में कुछ भी ऐसा कुछ कार्य नहीं हुआ जिससे देखा जाए कि लोगों को कोई रोज़गार मिला हो या किसी प्रकार के लोगों को कोई सुविधा मिली हो। तो अब देखा जाए तो नाको में इतना बड़ा एक टूरिज्म आपका, हमारा लेक है, हमारा 11वीं शताब्दी का लोचावा लाखांग मोनेस्ट्री है यहाँ पर, और हिमाचल के वन ऑफ द हाईएस्ट पीक रियो पुरगिल है यहाँ पर। तो टूरिज्म की दृष्टि से बहुत कुछ यहाँ देखने लायक है, परंतु दुख की बात यह है कि आज नाको लेक के लिए ही अगर हम ले लें तो एक पार्किंग की सुविधा तक यहाँ पर नहीं है। सिटी चैनल के लिए रामपुर से विशेष नेगी की रिपोर्ट।